हेलो फ्रेंड्स, जो फ़िश लवर्स हैं आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाली ऐसी पापलेट फ्राई की रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम देखेंगे कि पापलेट फ्राई हम बहुत ही आसानी से कैसे बनाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से शुरू करते हैं। तो पापलेट फ्राई बनाने के लिए हमें पहले एक मसाला बना लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, और उसी के साथ मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्चियाँ, और मैंने यहाँ पे 7 से 8 कड़ी पत्ता ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया, मैंने एक छोटी कटोरी हरा धनिया यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन ये जो पेस्ट है इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसी में बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मालवनी मसाला ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक जो है अब अपने स्वाद अनुसार ऐड करें, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून कोकम का पल्प। कोकम का पल्प बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 कोकम ले लिए थे, उसे मैंने पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करके लेना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसे ऐसे ही ग्राइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे मसाला जो है वो ग्राइंड करके ले लिया है और इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना ली है। तो इसी तरह से हमें मसाला बना लेना है इसका। तो यहाँ पे मैंने 3 पापलेट ले लिए हैं, जिसको मैंने अंदर से अच्छे से क्लीन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कट्स लगा दिए हैं। तो पापलेट को जो है अंदर से अच्छे से क्लीन कर दें, और इसके बाद 2 से 3 बार पानी में वॉश कर दें। तो इस पापलेट को हम मसाला जो मसाला है हमने जो ग्राइंड करके ले लिया था वो लगा लेते हैं। इस तरह से डाल देते हैं मसाला। अब हम हाथों से ही इसे इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पापलेट को अच्छे से ये मसाला रब कर दें, मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी लगा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ मसाला जो लेना है और इसके अंदर ये जो पॉकेट जैसे बन गया है वहाँ पे लगाना है, और उसी के साथ हमने जो यहाँ पे कट्स लगा दिए थे उसके अंदर भी हमें ये मसाला जो है वो भर देना है, ताकि ये मसाले जो है वो फिश के अंदर तक जाए और अच्छा स्वाद दे। तो इस तरह से सारा मसाला जो है वो पापलेट के ऊपर लगाकर उसे मसाले से अच्छे से कोट कर दे। तो हमारा मसाला भी जो है वो बहुत ही झटपट से बन गया है, और हमने पापलेट के ऊपर भी लगा दिया है। तो हमारे पापलेट जो है वो मसाले से अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, ताकि मसालों के सारे फ्लेवर जो है वो फिश में उतर जाए। तो इस मसाले वाले पापलेट को हमें बाहर से कोट करने के लिए एक मिश्रण बना लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप सूजी। और अब इसी में हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून राइस आटा, और कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, उसी के साथ 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। हमने इस मिश्रण में लाल मिर्ची पाउडर और नमक इसीलिए ऐड किया है, जब हम फिश को इसमें कोट कर लेंगे तब बाहर से भी इसकी जो कोटिंग है उसका अच्छा कलर आए और अच्छा स्वाद आए। तो अब हम ये मैरिनेट किया हुआ पापलेट जो है इस सूजी के मिश्रण में डाल देते हैं, और उसे बाहर से इस सूजी का मिश्रण लगाकर उसे अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो फिश को जो है दोनों तरफ से जो है सूजी का मिश्रण लगा देना है, ताकि हमारा जो फिश है वो अच्छे से कोट हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पापलेट को जो है अच्छे से मिश्रण कोट हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी के फिश भी जो है उसे कोट कर लेते हैं। फिश को जो है सूजी का मिश्रण दोनों तरफ से अच्छे से लगा ले, ताकि फिश जो है वो बाहर से क्रिस्पी बन सके।
तो मैंने ये सारे पापलेट जो है उसको मैंने सूजी का ये मिश्रण लगा लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फिश फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें फिश डाल देते हैं। आप फिश को जो है तवे के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं और तेल जो है वो अपने पसंद से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। गैस को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसे एक साइड से पकने देना है। इसे एक साइड से पकने के लिए 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो फिश है वो एक तरफ से है पक चुकी है। अब हम इसे पलट देते हैं। वाव, तो इसी तरह से हम दूसरी फिश जो है उसे भी पलट देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिश जो है वो कितने अच्छे से पके हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब हम इसे दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फिश है वो दूसरी तरफ से भी पक चुके हैं। तो मैं आपको एक पीस जो है वो पलट के दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिश जो है वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक चुकी है। ध्यान रखें, फिश जो है वो पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेती, बहुत जल्दी से बन जाती है। इसीलिए इसे बार बार पलट पलट कर ना पकाएं, इससे जो है ऊपर की कोटिंग निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारा पापलेट फ्राई जो है वो बिल्कुल तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़े और इसे खाए और इसका मज़ा ले। तो आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि इसका मसाला बनाना जो है वो कितना आसान है। तो इस झटपट बनने वाले पापलेट फ्राई की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।